प्रश्नावली 11.1, प्रश्न संख्या 2, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले एगो त्रिभुज बनाना है जिसका एक भुजा है 4, एक भुजा 5, एक भुजा 6। उसके बाद कहता है फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो पहले हम त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद उसके संगत समरूप जो है एक समरूप त्रिभुज बनाएंगे जिसका भुजा जो है दी हुई त्रिभुज की भुजा के 2/3 गुना हो, अर्थात जितना भुजा का मान दिया हुआ है उस भुजा को 2 से गुना करेंगे, 3 से भाग देंगे, जितना मान आएगा उसके मान के बराबर जो है समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं 4, 5, 6 सेंटीमीटर लेकर। एक त्रिभुज हम खींचने के लिए पहले हम तीन भुजा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये तीनों में से कोई भी भुजा एक तो खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे 6 पर और यहाँ 0 पर, दोनों को हम मिला देंगे। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, माना कि रख दिए BC 6 सेंटीमीटर। अब बच रहा है दो भुजा, एक 4 है एक 5, तो हम पहले क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं, नाप लेंगे एकदम एक्यूरेट, 4 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो हम इसको C पर से भी काट सकते हैं और B पर से भी, हम B पर से इसको काट देते हैं, काट दिए। उसके बाद अगला एक ठो भुजा है 5, तो अगला चाप ले लेंगे हम 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर ले लिए चाप। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अब C बचा हुआ तो C पर से काट देंगे। काटने के बाद जहां मिलता है ये दोनों बिंदु वहां से हम क्या करेंगे C को मिला देंगे, मिला दिए। फिर इसको हम क्या करेंगे B से भी मिला देंगे, इसका नाम हो जाएगा A। अब हमें क्या करना है, ये 4 सेंटीमीटर है लिख देंगे, ये 5 सेंटीमीटर है लिख दिए। एक और त्रिभुज बनाना है इसी त्रिभुज के समरूप जिसका भुजा इसके संगत हो, तो 2 से हमें क्या करना है 2/3 गुनी भुजा वाला खींचना है, अर्थात 2 से भाग करना, ये 2 से गुना करना है, 3 से भाग करना है। तो इससे जैसे ही 2 से गुना करेंगे, छोटा संख्या से गुना कर रहे हैं और बड़ा संख्या से भाग, तो त्रिभुज बनेगा छोटा त्रिभुज, कैसा बनेगा छोटा त्रिभुज बनेगा। पहले हम यही सोचते हैं, अगर 3/2 रहता तो 3 से गुना कर रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं, ज़्यादा भाग से गुना हो रहा है कम से गुना ये भाग हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो पहले ये सोचना है त्रिभुज बड़ा बनेगा छोटा, तो त्रिभुज बन रहा छोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण खींच देंगे, खींच दिए। खींचने के बाद यहाँ से पहले काट देंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। सुविधा के लिए इसको भी यदि हम डिवाइड कर दें 30 हो जाएगा, वैसे यहीं से हम मिला देते हैं, न्यून कोण ही खींचना है, कहीं से भी हम एक खींच लेंगे, मिला देते हैं इसको। यहाँ निश्चित नहीं है हम न्यून कोण खींच रहे हैं, कोई भी न्यून कोण खींच देंगे तो 60 डिग्री पर हम खींच दिए इसको। अब हमें निकालना क्या है, 2/3 गुना करना है, अधिकतम मान 3 है, तो हम 3 चाप खींच लेते हैं। हम क्या करेंगे, चाप ले लेंगे 3, हम एक बार इसको काट दिए, फिर इसको क्या करेंगे हम दोबारा काट लेंगे 2, फिर इसको क्या करेंगे हम तीसरा बार हो जाएगा 3, 3 तक अधिकतम ले लिए।
इसका नाम रख देंगे B1, B2, B3। अब जो हम ये B3 माने हैं, चूंकि नीचा में जो मान रहेगा उसको अंतिम पॉइंट से मिला देंगे, इसको हम C से क्या करेंगे, मिला देंगे। बस मिला दिए। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, कौन बना लेते हैं सुविधा के लिए, बना लिए ये 3 पर से। उसके बाद 2 है ऊपर में, फिर हम 2 पर भी वैसे ही करेंगे, खींच देंगे, खींच दिए। पहले हम यहाँ 3 पर से खींचे, उसके बाद फिर हम 3 नीचा में था इसीलिए 3 पर से लिए, फिर 2 पर था 2 पर से हम लिए, ये है 2, खींच दिए। अब हम क्या करेंगे, 3 पर जो ये क्या डिग्री कौन बना है ये नाप लेते हैं इसी चाप से। यहाँ हम चेक कर लिए कितना डिग्री कौन बन रहा है, जितना पर ये कट रहा है उतने पर भी अगला चाप जो हम खींचे हैं उसको काट देंगे, इस चाप को, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, काट दिए। काटने के बाद इसको हमें 2 से मिला देना, क्योंकि ऊपर 2 है और नीचा 3 है, तो इसको हम 2 से पहले मिला लेते हैं। मिला दिए। अब हम यहां मिलाए क्यों, तो ये करने का मेरा उद्देश्य था, यहां जितना डिग्री का कोण बन रहा है उतने डिग्री का कोण यहां भी बने, इसीलिए ऐसा किए। तो ये चीज करने के लिए क्या किए, पहले यहां से एक चाप ले लिए, तो 2 पर से भी ले लिए जहां हमको खींचना है, और उसके बाद नाप लिए क्या डिग्री कोण बन रहा है, उतने पर इसको भी हम काट दिए, फिर लाइन खींच दिए। अब ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये कोण जो है, ये कोण यहां जो बन रहा है और ये कोण, दोनों बराबर है, इसीलिए ऐसा किए। अब हमें 2/3 था, तो 3 मान नीचा वाला जो रहेगा उसको अंतिम पॉइंट से मिला देना है, और उसके बाद ऊपर वाला को मिलाना है, तो 2 से मिला दिए। अब फिर हमें जितना डिग्री का कोण यहां बन रहा है उतने डिग्री का कोण यहां भी हमें बनाना है इस बिंदु पर, तो पहले खींचते हैं लाइन, पहले यहां भी खींच लेते हैं, यहां से खींच दिए। उसके बाद फिर ये जो पॉइंट हम मिलाए हैं यहां पर भी वही लाइन खींच देंगे, खींच दिए। अब यहां से हम इस लाइन से चेक कर लेंगे कितना डिग्री का कोण ये बन रहा है, ये बन रहा है इतना डिग्री कोण, चेक कर लिए इस लाइन को। चेक करने के बाद उतने से हम इसको भी काट देंगे, यहां पर हम काट दिए उतने से। काटने के बाद इसको हटाएंगे, फिर अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से उसको मिला देंगे। तो मिलाने के बाद एक नया त्रिभुज बन गया, इसका नाम हम रख देंगे A-, ये हो जाएगा C-। तो अभीष्ट त्रिभुज हमारा जो बना, अभीष्ट त्रिभुज A-BC- बन गया, और A-BC त्रिभुज का जो भुजा है वो ABC त्रिभुज के संगत भुजा का 2/3 गुना है, अर्थात ABC जो त्रिभुज हो गया ABC, ये बड़ा त्रिभुज है और इसको 2/3 किए प्रत्येक भुजा को, तो एक छोटा त्रिभुज बना A-BC।